चकदार और कड़ुआ सच है। कणियल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है। शिक्षा का संसार, शिक्षा का संसार, शिक्षा का संसार, प्यार भरोसा अदब कायदा जिसके पाए चार, प्यार भरोसा अदब कायदा जिसके पाए चार। भैया ये है घर परिवार, रे बबुआ ये है घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार। आज की रात ऐसी कत्ल की रात है जिसका ना कोई आगे है और ना कोई पीछे, ऐसी रात जिसके सिर पर चढ़कर चमगादड़ बोले। है आज की रात कत्ल की रात है, उस रात का ना कोई आगे है ना पीछे, और रात ने चमगादड़ भी बोलेगा। अरे राजवीर डरा क्यों रहा भाई है? ये किसी किसी बात कर रहा है तू? कहीं ये चुनाव के बाद में मेरे को बीमारी तो नहीं लग जाएगी भाई रे? बीमारी मारी नहीं रे, तेरे गले में रौब का तमगा होगा, रौब का। अच्छा, आज की रात संभालना है बस। अच्छा अच्छा, इस बात की आप चिंता मत करो राजवीर जी, आज पूरे गांव में कुत्ता हमारी मर्जी से भौंकेगा। शाबाश, सारे इंतजाम हो चुके हैं ना? इंतजाम आज तो पूरे गांव की हर गली और हर छत, तो क्या गोबर के ढेर तक पे मैंने अपने पहलवान बिखेर रखे हैं। ले गोबर के ढेर में पहलवान क्यों बिखेर दिए? बेईमान का क्या भरोसा था तू कहीं से भी आ सके हैं? मैंने तो आज अपने घर की छत क्या तबेले तक में पहलवान छोड़ रखे हैं। आज अपने घर में पहलवान क्यों छोड़ दिए? चलो ठीक है, हमें हर जगह चौकसी रखनी चाहिए। अरे राजवीर, मुझे तेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। जो हमारा विरोधी है ना सतवीर चौधरी, वो ना हमारे खिलाफ तो कोई बात कह रहा है और ना ही कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो फिर काय के पहलवान बिठाओ उठाओ, गोबर पे बिठाओ, छत पे बिठाओ, क्यों? मन समझ में नहीं आती बात। अरे ये जरूरी होता है, हमारे आदमी हर वक्त तैयार रहने चाहिए। अरे और के? अरे आज तो हमने दुकान में भी तीन पहलवान सुला रखे हैं। अरे गजेंद्र, यो के जुल्म कर दिया, वो तीनों पहलवान तो मेरे तीन कनस्तर देसी की चूस जाएंगे। अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे गड़बड़ गड़बड़ तो गड़बड़ ही गड़बड़ हो रही है, मैं तो लुट गया जी। कोई आवे झंडे खातिर पीछे दे दो मैं पीछे दे दूं, कोई कहते पोस्ट खातिर पैसे दे पैसे दे दे, कहीं तो खाम खा पीछे लगेंगे प्रसाद चढ़ा देंगे, मैं तो बर्बाद हो गया चुनाव के चक्कर में। अरे तो आप कुछ हिसाब किताब तो रख रहे होंगे? हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, हिसाब किताब रखूंगा। अरे तो कोई पढ़े लिखे रख लो। तो देख ले, यो ही है सारे परिवार वाले, एक भी पढ़ा लिखा दिखे तो नहीं। कदे कदे तो मेरे दिल में आया, दो जमात पढ़ लिया होता थोड़ा ठीक सा रहता। दादा देखा जाए तो बस हम एक इसी कमी के कारण एक बार नहीं बार बार ठगे जाते हैं, और ये सारी दुनिया हम जैसे लोगों को ठगती है। और इज्जत इज्जत तो खाक में मिली हुई है हमारी देखा जाए तो। अरे कितनी बार बेइज्जत होकर आते हैं हम घर में, पर शर्म के मारे दादा आपको बताते नहीं। अब बैंक में पैसे हमारे जमा है, काटने गए कहते हैं फार्म भरो, फार्म भरना तो हमको आता नहीं, कहते हैं भैया जरा जो भर दिए फार्म में वो दुकार देते हैं, वही बेइज्जती। और तो और अरे बस वाले कंडक्टर भी हमारी बेइज्जती कर देते हैं, हद हो गई। अरे तो आप क्या करें, भैंसों की जगह के किताबें खरीद ले, तबेले की जगह के स्कूल जाना शुरू कर दें। इस बारे में बाद में बात करेंगे। तेरे चुनाव के चक्कर में मेरी 10-20 बीघे जमीन गल लेगी। अरे इस मामले में इतना तो सहना ही पड़ेगा, जबकि हम पढ़े लिखे नहीं है। बिंदु इस पढ़ाई लिखाई ने तो घेर लिया हमें, वह DIG भी कल यही कहता, घर में ना हो खाने को दाने तो क्या करेंगे ये किताबी तराने। अच्छा भाई राजवीर, इसके जुमले भी सारे कटे जैसे होते हैं। अरे हाँ बिंदु, तुम वो तांत्रिक यहाँ हुआ है, उसे अनार दिया है? मैं नहीं जाता भाई वहाँ। ओहो, आज के दिन इतनी गड़बड़ नहीं करनी थी, अभी इतनी रात नहीं हुई, तुम चले जाओ। ठीक है यार, अभी रात में ही ना ना। रे बिंदु तू डरने कब से लग गया,
ना दादा ना, आपने पता है मैं डरता डराता किसी चीज से नहीं, पर वो तो आदमी अजीब है, जानते ही चिमटे ठोके है, जाके सलाम करो दे चिमटा। अरे तो तू चिमटे खा लेगा तो मर थोड़ा जाएगा, जा जा जल्दी जा। चल साथ मैं भी चलूंगा। हाँ यो ठीक रहेगा, चतर सिंह उड़े मिल जाएगा। हाँ, चलो चलो निकल। चलो एक से दो भले, जरूरी है जाना। अरे चल ना। जाना। गजेंद्र मैं बताऊं उस हसन बाबा का खेल, वो चिमटा मारे कमाल हो जाए। ये राजेंद्र जब छोटा था ना, चार चिमटे पड़वा देते इसकी पीठ पे, देखा कितना बड़ा पहलवान है। घबरा मत, तेरे भी चिमटे पड़वाऊंगा दबा के। अरे भाई बिंदु, राजेंद्र तो कहता था कि उसकी इजाजत के बिना कुत्ते भी नहीं भोंकते, लेकिन यहाँ तो कुत्तों के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही है। राजवीर तू बात तो सही कर रहा है, यही तो मैं सोच रहा हूँ। देर से जब उस दिन मीटिंग में हमारी ये बात तय हो गई थी कि कुत्ते भी हमारी इजाजत के बिना नहीं भौंकेंगे, अरे भौंकने की तो बात गई खाक में, यहाँ तो रो रहे हैं भाई। फिर किधर है तुझे ये नहीं लगता कि ये विरोधियों की चाल है? बिल्कुल है। एक बात तेरे और बताऊँ, किसी ने बताओगे तो नहीं ना? मैंने कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है यार। डर रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगा राजवीर, मैं ठहरा पहलवान। शुरू शुरू में ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे मजा आने लगता है, और ऐसा तब होता है जबकि आदमी अनपढ़ हो। ये क्या बात कह दी है कि आदमी अनपढ़ हो तो मजा आने लगता है, क्या बात कही? अरे भाई 50 बातें ऐसी होती है जो समझ से बाहर है, और उनको समझने के लिए 100 बातें और समझनी पड़ती है। ना राजवीर ना, तेरी बात नहीं जची, ये तो ये वाली बात हो गई कि आदमी रोटी खाने बैठा और उसे सब्जी पसंद नहीं आई, तो तरबूज मंगाया, काटा, फिर रोटी लगा लगा के उसे खाई। है ना। देख भाई बिंदु, तेरा जुमला मुझे भी ना जचा। नहीं जचा ना तो तेरे को सब ये क्या है? ये तो भाई राजवीर, भाई ये तो काली डाइन है पुरानी, तभी तो ये लहरा लहरा के देख किस तरह गई। काली डाइन हमारे गांव में ये सब भी है भाई। देख राजवीर, बुरा मानने की बात नहीं, जब गांव मारा है तो ये भी डाइन भी मारी होगी, तो ये सब तो हमारे ही हुए ना। हाँ तो फिर इसने हमारा ही रास्ता क्यों काटा? पता नहीं भाई, लग रहा है कि हमारे पीछे लग रही हो तो। अरे नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि ये विरोधियों की चाल है। अरे किसी ने इसे ठेके पे लेके हमारे पीछे लगा रखा है। ना राजवीर ना, ये जिन डायन जो है ना, ये ठेके पे नहीं जाते। कैसी बात कर रहे है पागल तू? नहीं नहीं, चुनाव में तो इससे भी बड़े बड़े कारनामे हो जाते हैं। हाँ अच्छा, और ये भूत भी हमारे जैसा कोई अनपढ़ होगा, और उस चौधरी ने लगा दिया ठेके पे हमारे पीछे। हाँ भाई ये बात हो सके है। हाँ। अगर ये भूत जो है ना, ये टायर जो है अनपढ़ है तो ठेके पे तो चली गई होगी फिर। अरे ले तो चली गई। हाँ। चली गई ना। हाँ। चल चल राजवीर। हाँ। कल दवाई छिड़कवा गांव में। हाँ। बड़े मच्छर हो रहे भाई। हाँ। चल खिली। अरे चौधरी, हाँ आजकल तुम्हारे आसपास टोने टोटकों का मेला लगा हुआ है। बाबा ये मेला मेरे चारों तरफ ही क्यों लगा हुआ है? अच्छा, अरे ये मेले उन्हीं के आसपास लगते हैं जो कुछ ज्यादा ही शरीफ दिखते हैं। बाबा बाबा, अगर आप कहें तो मैं शराफत छोड़ दूं। नहीं नहीं चौधरी, ये मत करना। अरे एक यही तो खजाना है तुम्हारे पास, नहीं तो तुम में धरा ही क्या है? अरे बाबा वो 3 एकड़ जमीन क्या मेरे पड़ोसियों की है? अरे नादान, लेकिन जमीन आदमी का हुस्न तो नहीं होती ना। बाबा मेरा हुस्न तो जमीन के पहले भी था और आज भी है। अच्छा? हाँ बाबा, एक जमाना था जब मैं गांव से निकलता था तो औरतें मुझे कंकड़ मारती थी, कंकड़। यानी कली खिली। लेकिन हमें भी तो उन औरतों के नाम गिनाओ।
अरे हमें भी तो बताओ वो कौन थी। बाबा मत पूछिए बाबा, वरना बहुत से घरों की पोल खुल जाएगी। हाँ, लेकिन बाबा माफ करना, कभी कभी तो आप भी मुझे खोकम फाग वाले बाबा दिखते हैं। अरे मूर्ख, हमारी मुराद तो उस ऊपर वाले से लगी हुई है। हाँ, हम तो उसी के मुरीद हैं। हाँ बाबा, हमारी लोग उसी से लगी। हाँ बाबा, उसी से लगी, उसी से लगी। जा जी बाबा, जा, बहुत तुझ पर रहम करेगा। बहुत जी बाबा। जा बच्चे। बाबा भाग जा। बाबा की, बाबा की। या अली बला तली। भाई मान जा बात नहीं, मैं नहीं जाता, वो आदमी ठीक नहीं है। अरे कुछ ना होगा, मैं तो हूँ ना। अरे तो फिर फिकर किस लिए? एक मिनट सोच ले, ये केवरा के कर देगा ये आदमी। कुछ ना होगा, कुछ भी मैं कुछ भी कर सका है। मैं तो हूँ ना, चल आ जा। बाबा जी सलाम। सलाम बाबा जी। हाँ आओ चौधरी आओ, बैठो। डरता क्यों है? ना ना, डरता नहीं बाबा, मैं तो आपके तेज प्रताप से डर रहा हूँ। डर रहा है, फिर आने में देर क्यों कर दी? वो बाबा जी कल मीटिंग में फंस गए थे। अच्छा, अनार लाए हो? हाँ हाँ बाबा जी। आपका हुक्म सर माथे पर। बाबा जी लाया हूँ, बाबा लाया हूँ। हाँ, तेरा हुक्म सर आगे पर। अनार, ऐ फलों के बादशाह, संभाल अपने दानों की तरह उस प्रधान को। पलट दे उसकी अकल, बिगाड़ दे उसकी शकल। अरे बाबा, अकल तो चार बदल दे तू उसकी, पर शकल मत बदल। बिंदु, बीच में मत बोल, झपड़ा नहीं खोल, नहीं तो तुझे भी चिमट दूंगा। माफ लिया बाबा, राजवीर। माफ कर बाबा, ये तो मुलायम दिल का है। इतना भी क्या मुलायम दिल का हो गया है ये, जो मुझी को सलाह दे रहा है। मेरे यहाँ मेरा हुक्म चलता है, जो कह दिया सो कह दिया। या अली बला तली। अरे जैसी आपकी मर्जी वैसे करो बाबा जी, मैं तो यूं ही बोल गया था। चुप, तेरी भी बोलती बंद करता हूँ। अरे ओ बाबा, मेरे दिमाग की नसों में चुटकी मत भर तू, इतनी ज्यादा तो है ठीक नहीं, क्यों राजवीर? हाँ हाँ हाँ, अपने काम को आया है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर। तेरा ही हुकुम चले है बाबा। हाँ बिंदु। बाबा इधर आ, इधर आओ, इधर आ। अरे राजवीर दरवाजा, अरे दरवाजा राजवीर, अरे मार दिया बाबा। ये राजवीर बड़ी खतरनाक चीज है भाई, ये तो थोड़े वाला आशीर्वाद देना। थोड़े वाला? हाँ थोड़े वाला दे। ए थोड़े वाला, आल तू जरा, आल तू आई भला को टाल तू। इनके दे देगा। गिरे यह राख, अगर सखा लेना, ऊपर से पानी पी लेना और सो जाना, सुबह आके मुझे बताना। अरे राजवीर। हाँ? ये राख ढाई किलो तो होगी। कोई नहीं। अरे बाबा, ये ढाई किलो राख खा के पहली बात तो मैं जिंदा उठूंगा नहीं सवेरे। अरे चल मान उठ भी गया तो ये तो लाल किला चुंडेगी मेरे पेट में। अरे यही तो चमत्कार है हसन बाबा का, पत्थर को भी पानी कर दूं। ए बाबा, वो तो ठीक है, पर तू कुछ ऐसा तोड़ निकाल कि हर तरफ बिंदु ही बिंदु नजर आवे। अरे चिंता ना कर, मैं बिंदु को भी खत्म कर दूंगा। ओ बाबा, तू पागल हो गया क्या? जब बिंदु ही नजर नहीं आवेगा तो फिर वो जीत की माँ क्या बैर पहनेंगे? मंत्र की तासीर कम कर दूंगा तो उसकी गर्मी कम हो जाएगी, उसका असर कम हो जाएगा। तो बाबा एक काम कर, तू ये कम पावर वाला मंत्र पढ़ दे। हाँ ऐसा ही करते हैं। याली आहूं या कोड़ा 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 कोड़ा। राजवीर तेरा बाबा पागल है। बाबा ये फोड़े वाला मंत्र क्यों पढ़ रहा है तू? मेरे के फोड़े हो रहे हैं। अरे तेरे विरोधी भी तो तेरे फोड़े है ना, है पकड़ संभाल कर रख, हाथ ऊपर उड़ा। अरे मार दिया,
अरे राजवीर अपाहिज कर दिया रे, यार तो तोड़ी थी यार। अरे तेरा नरस जा बाबा, तेरा हो जा बेड़ा गर्क। अरे चाप चाप बाबा जी ने ऊक चूक मत बोल। अरे इलेक्शन हार गया तो खानदान की इज्जत का सवाल है, इज्जत की। ए बाबा जी दो चार और घेर दे। अरे अरे तू भीले झट, ये पुटलिया उठा, पुटलिया उठा, झट भाग, पीछे मुड़ के मत देखना, भाग। अरे भाग भाग रख याली पलाटली। अरे देख ले दुखिया देख ले, ना तो फिर कहेगा मैं तुझे कुछ सिखाता नहीं। अरे देख ले यो हड्डी ना टूट रही, ये मांस फट रहा है मांस। आप भी कमाल करते हो पहलवान जी, मैं सीखूंगा के खाक आप कह रहे पैर की हड्डी का मांस फट गया और मांस दिखाई दे रहा मन ने साबुत है बाउला। दुखिया मन की आंखों से देख, मन की आंखों से, मांस नहीं अंदर जो हड्डी है ना उस हड्डी का मांस फट गया। ओ हड्डी वाला मांस, खैर होता होगा फिर आगे। फिर तो ऐसी चोट को न्यू ठीक किया कर दे। पहलवान जी छोड़ दो, क्या पुर्जा पुर्जा खोलोगे उसका? चुप करो, अरे तू दांत खड़ा खड़ा छोड़ चाह रहा ना तो खेल में मजा नहीं आता। पहलवान जी पहले से उसकी हड्डी चढ़ा दो, बाद में उपचार कर लेना। चुप, हमारे यहाँ तो बगैर उपचार के तो तंग भी नहीं गए। ये तो इंसान का बच्चा मेरे काम का बच्चा। पहलवान जी आज अपनी कसम तोड़ दो, मेरा बच्चा एक घंटे से चीख रहा है, आप लोग मेरी मदद करो भैया। कसम तोड़नी होती तो काम हाथ में क्यों लेता। उखाड़ ली मेरे बच्चे की टांग, अरे लूट लिया मेरे बच्चे को, अरे बचाओ, अरे बचाओ मेरे बच्चे को, कोई बचाओ मेरे बच्चे को, कोई बचा रे। पानी आप पानी बाबू बचा बाबू। अरे मेरे कोई बच्चे को बचा। चुप 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 चुप। हमारी दुकान के सामने केस और मचा रखा है, क्या हुआ? मेरे बेटे को बचा लो राजेश पहलवान। क्यों क्या हुआ? आम के पेड़ से गिरकर उसने अपनी टांग तोड़वा ली भैया, मैं यहाँ ले आया पर पहलवान जी अंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो चीख चीख कर अपनी जान दे रहा है, मेरे बच्चे को बचा लो भैया। मारे दादा पे शक ना करना, मारे दादा बहुत तजुर्बेकार आदमी है, कुछ गलत ना कहना। मैंने कभी कोई शिकायत तो नहीं की पर हो सकता है चुनाव के चक्कर में कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं भैया, मेरा बच्चा चीख चीख के मरा जा रहा है, मेरी मदद कर दो। अगर तने कोई शक है तो मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूँ, चल। चलो भैया मेरी मदद कर दो जरा जल्दी। मेरे बच्चे मेरे लाल क्या हो गया तुझे? माफ कर दो उसे, उसकी हड्डियों को नींद के दांतों की तरह बिगो रहे हो। हर मरीज के घर आए घबराया करे, तुमने परेशान न करे, सारे दिन का जागा हुआ हूँ, चुप कर। दादा छोड़ दो इसे, ये नहीं चाहते तो रहने दो। कैसे रहने दो, अभी तो देखिए हड्डी पकड़ में आ गई है। चुनाव है दादा, उस तरफ ध्यान दो, यहाँ क्यों भिड़ रहे हो? रजिंदर रजिंदर, पहले रोजी रोटी, चुनाव के चक्कर में जो ये मरीज छोड़ दू ना तो बजरंग बली मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरा सारा हुनर वापस छीन लेंगे। अरे चुप कर बावड़े, तेरी टांग तो पहले ही टूटी हुई थी। वो तो बस नहीं जुड़े हो
हुई हड्डी थी। तू यूं क्या कह रहा है पागला? अरे मैंने तेरी फंसी हुई हड्डी जरासी नेक जरासी कितनी सिंह खींची थी बस। वो फंसी हुई नहीं, जुड़ी हुई हड्डी थी। बच्चों की बात भरोसा नहीं करते। अरे लू ला कर दिया मेरे बच्चे को, उसके पंजर सब खोल दिए। अरे पहलवान जी क्या कर दिया मेरे बच्चे का? भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ जा भगवान के पास जा, सही रहेगा। भलाई करने का यो नतीजा। तूने एक बात सीखी? हाँ। हड्डी कैसे जोड़ी जाती है, आ गई समझ में? नहीं ये तो सही बात है। शाबाश। लेकिन उसका बाप क्या कह रहा था? उसका भी कभी इलाज करेंगे। देखो भाई, यह बहुत अच्छा हुआ कि पिछला प्रधान बिना चुनाव लड़े ही बैठ गया। खड़ा रहता तो हार जाता। हम चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम तो आप लोगों का दिल, आपका प्यार जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। और हमारा तो मन ही करे कि बस खुशहाली खुशहाली छा जा चारों तरफ, और गांव में कदम कदम पे ढोल बाजे ढंडड़ा 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 ढंडड़ा। ढंडड़ा नहीं है तो बिंदु बोलेगा, बोल रहे बिंदु। भाई एकदम शांत रहना, थका हुआ हूं मैं बहुत देर का। शाबाश, विजयी तो पहले ही है। बोल ना। बोल। देखो भाइयों, और वो क्या होया करे आगे तो भाई? होया करे हाँ, आप लोगों बड़ी भाभी जी पगली, मतलब ये लोग और आप लोग क्या कहना चाहिए। हाँ देखो, भाषणबाजी तो हो गई है खत्म, मेरे पास जो शब्द थे वो तो हो गए खत्म, क्योंकि जैसे ही चुनाव अधिकारी ने बताया कि अरे बिंदु तू तो जीत गया, तो मैं तो पागल हुआ घूम रहा हूं भाई कतई। तुम कितने राजी हो रहे हो? तुम सोचो लड्डू मिलेंगे, लड्डू तो हम देंगे, पर तुम्हारा एहसान नहीं मेरे पर, तुमने वोट वोट नहीं डाली मैंने, समझ गए ना? अरे सतवीर चौधरी जी तो डर के मारे हमसे वैसे ही पीट गया और मैं वैसे ही जीत गया, समझ गए ना बात को? पर खैर, काम मुद्दे की बात बनाए, काम की बात क्यों सतवीर, क्यों दादा? मुद्दे की बात पर आ जाता हूं। देखो कुछ भी हो, तुम लोग मेरे भाई हो। क्या हो भाई? भाई भाई हो, जोर से बोलना क्या हो भाई? अरे ताली बजाओ ना, भाषण में तो ताली बजा कर है। बस बस, अच्छा बजा दिया करो बीच बीच में, क्योंकि अब तुम लोगों को जाना पड़ेगा मेरे हर भाषण में। तो तुम लोग हो मेरे भाई, और एक बात याद यार बोल दू राजवीर, देखो साथ देना मेरा पक्का ही। अब मैं ये ग्राम मंत्री से प्रधानमंत्री बनने के मूड में हूँ। अब मैं ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहा हूँ, और आज से लेने शुरू कर दूंगा। तो आप लोग हो मेरे भाई, आप लोगों के मैं घर में घुसूंगा, और घर में क्यों नाराज क्यों हो रहा है भाई? घर में घुसूंगा मतलब जो आप लोगों की समस्या है, दुख तकलीफ है, उसे सॉल्व करूंगा, और जो आपकी महिलाओं को समस्या है उसको मैं नहीं करूंगा सॉल्व, मेरे घर की जो बड़ी भाभी है वो सॉल्व करेंगी, घबराओ नहीं। तो जो आप कहोगे वो करूंगा, और आप कहोगे ना तो मैं दादा नाराज ना हो तो कह दूं, हैं कह दूं, अगर आप कहोगे तो मैं तुम्हें पढ़वाऊंगा भी। जब बिंदु भटक नहीं गया तू? भाई लोगों, आप मेरी बोली और भाषा में मत जाओ,
मैं दिल का बड़ा ही कोमल आदमी हूँ। मेरा दिल बड़ा साफ सुथरा है जैसे धर्मशाला। कोई भी आ सके है, कोई भी जा सके है, रास्ता भी बता दूंगा कैसे जाएंगे। मेरा दिल तो है फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, और उसमें घुस के तुम बैठ सकते हो और बोल सकते हो कि क्या समस्या है, और जो कहोगे मैं करूंगा। बिंदु भाई यहाँ अस्पताल जरूर खुलवा देना। अरे एक नहीं दस दस खुलवा दूंगा, पर पैसा तो आने दो। बिंदु हड्डियों का अस्पताल खोलने की जरूरत नहीं है, हड्डियों का तो माहिर मैं हूँ। क्यों रे? ठीक है दादा, हड्डियों का नहीं खोलेंगे पर अस्पताल तो खोलेंगे, क्योंकि हमने वादा करा है जनता को अस्पताल तो खोलेंगे। और भाई लोगों जितने भी सारे काम होंगे समस्याएं होंगी मिलजुल कर करेंगे। रोज पंचायत बिठाऊंगा, घर घर से खींच के लाऊंगा, आना जरूर, और आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे, और ऐसी में बिना इलेक्शन लड़े जीतता रहूं तो क्या बुरा। ताल ठोंक के मूछ बैठ के अक्कड़ पाकड़ ऐठा, गदा भांज के सीना फुला के घुटनों के बल बैठा। लठा लठे तियारी है पर कहीं तो कुछ है खटका, विद्यादान के बिना रे बबुआ मंजिल पे जा अटका। मंजिल पे जा अटका, मंदिर पे जा अटका। वफादार नहीं मसल वो मछली, अक्षर में है सार, अक्षर में है सार, अक्षर में है सार। दाव पे ज्वार उठा पटक भी शिक्षा से लाचार, शिक्षा से लाचार, शिक्षा से लाचार। रे भैया ये है घर परिवार, रे बबुआ ये है घर परिवार।